चलिए इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा का आज दूसरा दिन है, आज सदन की दूसरे दिन की कार्रवाई होनी थी लेकिन विधानसभा के बाहर जो विपक्ष है उन्होंने प्रदर्शन कर दिया है। विधायकों का प्रदर्शन विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पोषण आहार घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सरकार घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है ऐसा कांग्रेस का कहना है और इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा करने वाले थे लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पोषण आहार को लेकर ये हंगामा किया गया है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि स्थगन पर चर्चा की जाए, चर्चा कराई जाए लेकिन इसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और इस पर लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। प्रदीप से जान लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं कि आखिर विधानसभा के बाहर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदीप, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो सत्र है काफी हंगामेदार रहने वाला है और अगर हम देखें तो जो कल था, कल स्थगन जो कार्रवाई थी वो रोक दी गई थी और आज दूसरा दिन था लेकिन इसके बाद भी वही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ा प्रदर्शन विपक्ष ने किया है और विधानसभा के बाहर हंगामा शुरू कर दिया है, पूरी जानकारी। बिल्कुल प्रियंका, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था विधानसभा के अंदर, दूसरे ही दिन जो हंगामे के आसार, क्योंकि कल हमने देखा था इसलिए इस बात को हम कह सकते थे कि आगामी दिन रहेंगे वो हंगामेदार रहेंगे। देखिए दिन सबसे पहले विधानसभा का जब शुरू होना था उस समय खुद कांग्रेस के जो विधायक वो लैस लेकर पहुंचे थे विधानसभा के मेन गेट के बाहर, तो वही इस चीज को बिल्कुल माना जा रहा था कि जो सत्र रहेगा वो हंगामेदार रहेगा। आज जिस प्रकार से सत्र की शुरुआत हुई, सत्र की शुरुआत में ही जो कांग्रेस के विधायक है गोविंद सिंह, उन्होंने जो मनोज चावला जो विधायक है कांग्रेस के, उनके हाथ मरोड़ने तक की बात जो है वो की गई। हालांकि ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में घोटाला पोषण आहार के मामले से मिला था, जिसको लेकर के सदन में बात सीएम व्यक्त करता, उससे पहले ही जो चाहे वो कांग्रेस नेता हो वो इस बात पड़े थे कि सीएम अपना तक तो बाद में दे, पहले पोषण आहार जो घोटाला निकल के सामने आ रहा था उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए, इसके बाद ही सदन की दूसरी कार्यवाही शुरू हो। लेकिन हो पाती इसके पहले ही जिस प्रकार से हमने देखा कि मनोज चावला जो कांग्रेस के विधायक है उनका हाथ पकड़ के मरोड़ा जाता है, शंकर गुप्ता विधायक है उनकी तीखी नोकझोंक होती है, ये तमाम जो चीजें हैं अभी तक जो विधानसभा के अंदर देखी गई। विधानसभा में कई तमाम चीजें और भी देखी गई, जब कांग्रेस के लोग जब तख्ती लेके पहुंचे हैं तो पुलिस ने उन्हें रोका, इस पर उस पर भी तीखी नोकझोंक जरूर हुई है विधानसभा के अंदर में। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कांग्रेस है लगातार सरकार पे निशाना, या विधानसभा के अंदर भी सवालों को उठाएगा कि पुलिस ने किस प्रकार से जो विधायक है उनका हाथ पकड़ा है, उनके हाथ को मरोड़ा जा रहा है, उस तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस हमलावर बनी हुई है। देखिए पूरे इस मामले को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा है पुलिस को, पुलिस के फेवर में उन्होंने एक बात कही है कि विधानसभा परिसर है, उस विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की कमंडल टाइप की चीजें ले जाना जो है पूर्णतः प्रतिबंधित, और ऐसे जो चीजें हैं वो कांग्रेस विधायकों के द्वारा लेके जाई जा रही थी अंदर, जिसको लेकर के पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया है। तो ये निश्चित तौर पर है, अभी आरोप प्रत्यारोप अभी और बढ़ेंगे, कई बार काफी जो है सलूकियां भी जो है बाहर देखी गई विधानसभा के अंदर में। लेकिन खुद विधानसभा जो के अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम, उन्होंने खुद इस बात में हस्तक्षेप किया है, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि जो सदन के अंदर इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं तो वो सुचारू रूप से चले, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक की गई थी, मंत्रणा की गई थी, उनके साथ बैठक में ये निर्णय लिए गए थे कि जो भी मुद्दे रहेंगे हालांकि वो चलते जरूर रहेंगे, जैसे सही तमाम चीजें रही है आज सबसे ज्यादा विधानसभा में देखने में आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जो देखने में आया, जो मामला जो सबसे ज्यादा देखने में आ रहा था
कहा जा रहा था कि विधानसभा का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहेगा, इसकी शुरुआत जो है कल से हो गई थी। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन के अभी तक के कार्यकाल में प्रश्नकाल पे प्रश्न लग ही नहीं पा रहे, लेकिन हंगामा काफी देखा जा रहा है विधानसभा के अंदर। बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से जो संकेत है वो मिल रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, कहीं बयानबाजी देखने को मिल रही है, कहीं झूमा झटकी हो रही है, कहीं हंगामा किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सत्र शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? देखिए, विपक्ष के तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, चाहे पोषण आहार का मामला हो, यूरिया का मामला हो, कोरम डैम का मामला हो, बेरोजगारी को लेकर के बात हो, तमाम कई चीजों पर लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर बनी रहेगी। और ये शुरू पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि जब से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला था उसके पहले इस बात की गुहार जरूर कही जा रही थी कि विपक्ष जो है हमलावर रहेगा और पूरी विधानसभा का जिस प्रकार से जो कार्यवाही चल रही है, कहीं ना कहीं विधानसभा में ये सब तमाम चीजें उठेंगी और वही उन्हीं तर्ज पर कांग्रेस जो है लगातार अभी तक हमलावर बनी हुई है। और जो जो बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि हर मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे और ऐसे ही मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम जो है कांग्रेस विधानसभा के अंदर कर रही है। मानसून सत्र का जो समय है, हालांकि दिन बहुत कम है, लेकिन प्रश्नोत्तर की अगर हम बात करें या दूसरे तमाम जो चीजें हैं जो विधानसभा के अंदर में होनी चाहिए थी, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं वो विधानसभा के अंदर देखने में नहीं आ रही, लेकिन सत्र जरूर हंगामेदार है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाला समय जो है वो पूरा हंगामेदार रहेंगे। लेकिन पूरक बजट भी सरकार को पेश करना है, उसको लेकर उस पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि खर्च ले रही है, सरकार को अपने खर्चों का हिसाब भी देना चाहिए। तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार का मामला सबसे ज्यादा उग्र रहेगा और पूरे विधानसभा सत्र के अंदर इस प्रकार के हंगामे जो है वो लगभग देखे जाएंगे। तो इस बात से जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो दिन है, आज 14 तारीख और 17 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलना है। हालांकि समय में परिवर्तन जरूर किया गया है थोड़ा सा, जो विधानसभा का सत्र जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी विधानसभा एक हफ्ता बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि मंत्री है जो जिनके सवाल है या जो जिन्होंने प्रश्न विधानसभा के अंदर रखे उनको संतुष्ट जवाब मिल सके। लेकिन जो दिनों को तो नहीं बढ़ाया गया, हालांकि कार्य समय जो है वो जरूर बढ़ा दिया गया है, लंच इसमें बंद कर दिया गया है और साथों साथ जो विधानसभा लगभग 5 बजे तक चलती थी अब वो विधानसभा 7:30 बजे तक लगेगी। तो मतलब हंगामा तब भी देखने में आएगा, क्योंकि यह सत्र जो है कहीं ना कहीं मानसून सत्र है और मानसून सत्र में कई ऐसी चीजें जो है हंगामेदार जरूर देखने में आएंगी, भ्रष्टाचार हो, घोटाले हो, ऐसे कई मामलों को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर बनी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ये जो मानसून सत्र है काफी हंगामेदार रहने वाला है, और आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अब सरकार को घेरने की विपक्ष जो पक्ष है उसको घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है और अब आर पार की लड़ाई में उतर आई है कांग्रेस, और जिसके चलते ये हंगामा आज भी देखने को मिलेगा प्रदीप। हालांकि देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो ये कार्रवाई है सदन की वो पूरी हो पाएगी। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआत से ही हंगामा देखने को मिल रहा है और कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। और आज दूसरा दिन था सदन का, जिसमें प्रश्नकाल के बाद सीएम शिवराज के जो वक्तव्य है उससे पहले विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और पोषण आहार घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं सरकार पर, और इसके चलते यह आने वाले सत्र में लगने वाले दिन है उनमें देखने को मिलेगा। तो ये जो देख पा रहे हैं हम तस्वीरें, तो ऐसा देखकर तस्वीर है ऐसा लगाया जा सकता है, ऐसे ये देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले दिन होंगे जो कार्यवाही की जाएगी उसमें भी हंगामा देखने को मिलेगा।